नमस्कार, खबर खास में अभी सभी का स्वागत है। और आइए, अब हमारे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं इस टाइम प्रतिभा जी, जो दो बार सांसद रह चुके कांग्रेस की ओर से, पूर्व में रहे सीएम स्वर्गीय श्री वीरभद्र जी की धर्मपत्नी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। तो अभी आप बिल्कुल लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप हमारे माध्यम से देख सकते हैं, खबरकास्ट के माध्यम से। और बिल्कुल जी, हमारे पीछे पूरा ये कारवा आप देख सकते हैं इस टाइम, लाइव तस्वीरें बिल्कुल खबरकास्ट के माध्यम से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मैडम, आपका स्वागत है खबरकास्ट में। थैंक यू। आज का आपका सफ़र कैसा रहा, आप हमारे दर्शकों को आप बताएं। यहाँ पे जोगिंद्रनगर आप विधानसभा में आए, कैसा आपका जनता का रुझान रहा वो बताएं थोड़ा सा। लोगों का बहुत समर्थन है, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं जी। तो आप किन किन मुद्दों पर आप चुनाव की तैयारियां हो रही हैं अभी, और कांग्रेस के सारे जो लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं, तो क्या सारे मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें। हमने कभी भी कोई मुद्दे की तलाश नहीं की है इलेक्शन लड़ने के लिए, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो पार्लियामेंट का हो। हमने विकास किया है, काम किया है, काम के आधार पर लोगों से वोट मांगे जी। तो किस तरह का आज का आपका सफ़र रहा ये हमारे दसवें थोड़ा सा साझा करें कि आप पूरा पहले बढ़ोल में गए, उसके बाद आप जोगिंद्रनगर में आए, फिर यहाँ बल में इस टाइम आए हुए हैं मछियाल में, किस तरह का आपका पूरा ये रहा थोड़ा सा हमारे दसवें को बताएं प्लीज़। जहाँ जहाँ भी गई बड़ी अच्छी मीटिंग्स रही है, बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने उसमें भाग लिया है, और लोग सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे कांग्रेस के लोगों की बात, जो हम रखना चाहते जनता के दरबार में उसको सुनकर लोग ने मन बनाया कि आने वाले जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे उसमें कांग्रेस का समर्थन करेंगे जी। कहीं ना कहीं मैडम ये एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो केंद्र में और यहाँ पे भी हमारे स्टेट में जो बीजेपी की सरकार है और सीएम हमारे मंडी से हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जो वीरभद्र सिंह जी रहे, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला का मुख्यमंत्री हूँ। मुख्यमंत्री पूरा हिमाचल प्रदेश का होता है, वो किसी जिले का नहीं है। तो कुछ हमारे माध्यम से आप हमारे दर्शकों को और पूरे हिमाचल को और पूरे मंडी को कुछ आप देना चाहें तो आप थोड़ा सा मैसेज दे सकते हैं जी। मैं सभी से अपील करना चाहती हूँ कि वो सही ईमानदारी से लोगों के दिलों की धड़कन को देखें, लोगों की आवाज़ को सुने और सही उनका मार्गदर्शन करें, और कांग्रेस के साथ जुड़कर विकास के कार्यों में काम करें। खबरकास्ट से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।